स्तरीय बाल महोत्सव के तहत ग्रुप डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फरीदाबाद, पलवल और नूह मेवात के बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी। सभी बच्चे अपने जिलों में आयोजित ग्रुप डांस में पहले और दूसरे स्थान पर जीत कर जहां पहुंचे थे, जहां उन्होंने हरियाणवी और राजस्थानी संस्कृति से जुड़े डांस परफॉर्मेंस दी। इस अवसर पर क्षेत्र की विधायिका सीमा त्रिखा बच्चों का हौसला बढ़ाने पहुंची और सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम की तारीफ और बच्चों को शुभकामनाएं दी। वहीं बच्चों ने भी अपनी खुशी व्यक्त करते हुए अपनी जीत का दावा किया। फरीदाबाद के बाल भवन में मंडल स्तरीय बाल महोत्सव के तहत ग्रुप डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फरीदाबाद, पलवल और नूह मेवात के बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी। बच्चों ने हरियाणवी और राजस्थानी संस्कृति से जुड़े डांस परफॉर्मेंस दिए और अपनी जीत का दावा किया। नूह और फरीदाबाद के बाल कल्याण अधिकारी कमलेश शास्त्री ने बताया कि पिछले 4 हफ्तों से गोविंद 13 के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आज बच्चों का ग्रुप डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 3 जिलों के प्रथम और द्वितीय स्थान पर आने वाले ग्रुप डांस के बच्चों ने भाग लिया। मैं कमलेश शास्त्री, जिला बाल कल्याण अधिकारी फरीदाबाद और नूह। यह कार्यक्रम पिछले 4 हफ्ते से चल रहा है और इसमें हफ्ता पहले जिला स्तर पर ये कार्यक्रम हुए। तीनों मंडल के 3 जो बाल भवन है हमारे, फरीदाबाद, नूह और पलवल, तीनों बच्चे ने शिरकत की है हमारे यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड ग्रुप डांस के बच्चों ने। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर पधारी हमारे माननीय विधायिका बडखल क्षेत्र से श्रीमती सीमा त्रिखा जी ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची विधायिका सीमा त्रिखा ने बच्चों की प्रस्तुति को लेकर जमकर तारीफ और कहा, ऐसे कार्यक्रमों में सरकार का अहम योगदान है, जिसमें बच्चों ने हरियाणवी संस्कृति की छटा बिखेरी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के बच्चों में अद्भुत प्रतिभा जो कार्यक्रम में दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी को कोरोना के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी सीजन के चलते रिस्क बढ़ सकता है। हमारे इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन, जो मंडल स्तरीय बाल महोत्सव है, इसका आयोजन शास्त्री जी की देखरेख में हो रहा है। कमलेश शास्त्री जी इस पूरे को मैनेज कर रहे हैं। मेरा तो एक ही अनुरोध है, हम बच्चों में उत्साह डालें और जो बच्चों में ऊर्जा है उसका सही उपयोग भी करें, लेकिन इन सब कामों को करते हुए हमें कोरोना प्रोटोकॉल कहीं नहीं छोड़ना है। उसके लिए मैं कमलेश जी की पूरी टीम को बधाई देती हूँ कि मैंने ये भी चीज़ देखी हूँ कि जगह जगह सहयोगी लगे हुए हैं जो बच्चों को भी सैनिटाइज़ कर रहे हैं हाथों को। मेरे पास भी ये लेकर के आए 2 बारी। तो ये जो चीज़ें हम फॉलो तो कर रहे हैं, पर हमें सावधानी से चलना है। अक्टूबर का महीना, नवम्बर का महीना, त्योहारों का महीना, जितना मिलना जुलना ज़्यादा होगा उतना रिस्क भी बढ़ेगा। प्रोटोकॉल जो है, कोरोना प्रोटोकॉल ना छोड़ें और इस पूरे कार्यक्रम के लिए बहुत दिल से साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं इस अवसर पर ग्रुप डांस में भाग लेने वाले बच्चों में भारी उत्साह देखा गया। सभी ने अपनी जीत के दावे की। इस कार्यक्रम में ज्यादातर हरियाणवी और राजस्थानी संस्कृति से संबंधित डांस परफॉर्मेंस पेश किए गए। कृषिका DAV 14 हरियाणा और राजस्थान, मेरा चुनर मंगा दे और हरियाणा और राजस्थान, मेरा चुंदन मंगा दे और आर। हाँ बिल्कुल, राजस्थानी और हरियाणवी। हाँ जी, हमने बहुत मेहनत करी है, हमने घर पे प्रैक्टिस करी, पूरे टाइम प्रैक्टिस करी, हमें लगता है हम जीत सकते हैं। हमने तो अपना बेस्ट दे दिया, आप जजेस हमें बताएंगे कि हमने कैसा। ऑफ कोर्स बहुत मेहनत करी है सारे बच्चों ने हमारे संग, मैम ने भी हमारे संग बहुत कोऑपरेट करा है, बहुत मेहनत करी है, मैम ने खूब सिखाया हमें,